फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए भिंडी गोश्त के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मज़े का बनता है। और इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए, ये आधा किलो गोश्त मैंने लिया है, ये बकरे का है, इसको आधा ये किलो एक है। पाव हमने हमने भिंडी ली है जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा। और मसालों में हमें इसमें चाहिए पिसी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1.5 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी और नमक हसबे जायका, सॉल्ट टू टेस्ट यहाँ, और प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के हैं जिसे मैंने ऐसे ही रफली काट लिया है, इसको मैंने अभी पीसना है इसलिए। और 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, इसको भी मैंने ऐसे ही रफली काटा है अभी, इसको मैंने अभी पीसना है इस वजह से। और 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और तेल हमें चाहिए इसमें, ये एक प्याली है, उसको मैंने आधा इस्तेमाल करना है अभी, इसको मैं बताऊंगी कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब हम चलिए रेसिपी स्टार्ट ब्लेंडर में करते मैं ये हैं। सारी चीज़ें जो भी मैंने, ये टमाटर, प्याज और सारे मसाले, ये सब डाल के मैं इसको पीस लूँगी बारीक, थोड़ा सा पानी शामिल करके, और फिर इसको पीस, इन सब चीज़ों को पीस के एक पेस्ट बना लूँगी। ये सारे मसाले भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, पिसी मिर्च, पिसा धनिया, नमक, जीरा, हल्दी, ये सब मैं इसमें शामिल करके और थोड़ा सा पानी शामिल करके बस मैं फिर इसे पीस मैंने लूँगी। चूल्हा जला लिया है। अब इस पतीली में मैं आधा ऑयल डालूँगी और आधा मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें ये ये मैं गर्म हो गोश्त गया है, शामिल अब मैं इसमें करूँगी। गोश्त शामिल कर रही हूँ। मैं ये मटन से बना रही हूँ, आप बीफ से भी बना सकते हैं, रेसिपी बहुत अच्छा बनेगा। बस टाइमिंग का थोड़ा फर्क होता है कि मटन जल्दी जल जाता है और बीफ में थोड़ा टाइम लगता है। इसको तल लूँगी ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। गोश्त का थोड़ा कलर चेंज हो जाए, इतना तलना है कि गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अब ये गोश्त का कलर थोड़ा चेंज हो गया, ये स्टेप को करने से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है, वो भी थोड़ी सी होती है उसमें, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बनता भी अच्छा है। अब मैं इसमें ये जो मैंने पीसा है अपना सारा मसाला, ये इसमें शामिल करके फिर से भूनूंगी। 2 ग्लास मैंने पानी भी लिया है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ऐसे शामिल करके मैं इसे इतना भूनूंगी कि ये मसाला घी छोड़ दें। इसे भूनना है अच्छा सा, ताकि ये सारा जो मसाला जब तेल छोड़ देगा तो फिर उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जब तक गोश्त गल रहा है, मैं बाकी का ऑयल जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने कढ़ाई में डाल के उसको गर्म किया है। अब मैं भिंडी इसमें शामिल करूंगी और इसको तल लेना है। इसको इतना तलना है कि ये इसका कलर चेंज हो जाए और ये जैसे भिंडी तली जाती है गोल्डन ब्राउन हो जाए ये बिल्कुल। जी, ये 5 मिनट भिंडी तली ली है मैंने और ये देख सकते हैं आप, कुछ गोल्डन सा ब्राउन और ग्रीन जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो गया है। इसी पॉइंट पे मैंने इसे निकाल लेना है और फिर ये मैं इसे एंड में यूज़ करूँगी जब हमारा गोश्त धीमी आंच पे 1 घंटा तकरीबन हो चुका है गोश्त। अब हम चेक करते हैं, वाह ये देखें, तेल भी ऊपर आ चुका है और जो पानी हमने डाला था वो भी खुश्क हो गया है और ये गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है। इसको थोड़ा सा मज़ीद और भूनेंगे, आपके पास अगर पानी थोड़ा बचा है तो आप उसे खुश्क कर लीजिए और उसे थोड़ा सा भून लीजिए, फिर उसके बाद इसमें शोरबा लगा देंगे हम। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं, यहाँ मैंने 2 गिलास पानी लिया है। इसका जो शोरबा होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा पतला होता है, बहुत गाढ़ा वाला शोरबा नहीं होता है, थोड़ा पतला होता है, तो मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी पानी शामिल कर सकते हैं।
ये देखें थोड़ा गाढ़ा है, मैं थोड़ा सा और पानी शामिल करूंगी। जी फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें भिंडी भी शामिल कर रही हूँ, और जो इसका भिंडी का तेल था वो भी मैंने इसमें पहले ही शामिल कर दिया था। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, अगर आप मुनासिब तेल खाते हैं तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसे थोड़ा सा मिक्स करके फिर 5 मिनट मैं इसे धीमी आंच पर छोड़ दूंगी, इसे दम पे रखना है। जी फ्रेंड्स ये अब भिंडी गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इसका सालन आप देखें ये इतना ही होता है, और ये चावल के साथ रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चावल के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इसके साथ बहुत इंजॉय करके खाते हैं सब लोग। अब मैं 5 से 6 हरी मिर्चें लूँगी और हरा धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी। जी फ्रेंड्स ये बहुत मज़ेदार सा भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार है, आप लोग भी इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसा बना और कैसा लगा आपको, और मेरी सारी रेसिपीज़ के बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, और मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।